ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल, और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 23 फरवरी 2019 शनिवार का दिन है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा जो कि 4:40 तक कन्या राशि में रहेंगे, उसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दिशासुर की यदि हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो अदरक खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहुकाल जो कि सुबह 9 से लेके 10:30 तक यानी 10:30 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव कुंभ राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में शाम 4:40 तक, उसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो कि मेष राशि में रहेंगे, बुध कुंभ राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र धनु राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क एवं केतु मकर राशि में रहेंगे। नवग्रहों की इस स्थिति के कारण इस ग्रह गोचर से वृषभ, कर्क, तुला, वृश्चिक और मीन इन 5 राशि वालों का राजयोग बनने वाला है, अर्थात इनको पद प्राप्ति का योग बनने वाला है। उच्च वाहन की प्राप्ति इनको हो सकती है या फिर नया घर, नई खुशियां इनके जीवन में आने वाली है। ग्रहों का जो संयोग है वो 5 राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ व्यतीत होने वाला है। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।